वेलकम स्टूडेंट, आई विश यू विल बी फाइन। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होती है, शुड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। तो वहां एक अच्छा क्वेश्चन अराइज हुआ था बेटा, मोलिकुलरिटी मोर देन थ्री इज नॉट ऑब्जर्व, यानी किसी भी रिएक्शन की मोलिकुलरिटी तीन से ज्यादा नहीं देखी गई है, या ऐसी आ जाए मोलिकुलरिटी विद थ्री इज वेरी रेयर। किसी की रिएक्शन की मोलिकुलरिटी तीन है तो वो भी रेयर होती है, बहुत दुर्लभ होती है। होती मोलिकुलरिटी एक दो तीन है, लेकिन तीन भी क्या है, इन रिएक्शन विद मोलिकुलरिटी थ्री आर रेयर। और मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन मोर देन थ्री इज नॉट ऑब्जर्व। तो इसका आंसर है बेटा, बिकॉज साइमल्टेनियस कोलिजन अमंग थ्री मोलिक्यूल इज वेरी वेरी स्मॉल। तीन मोलिक्यूल में एक साथ कोलिजन बहुत ही दुर्लभ है, इसीलिए वो रिएक्शन जिनकी मोलिकुलरिटी तीन है वो बहुत रेयर होती हैं, या तीन से ज्यादा मोलिकुलरिटी होती नहीं है, कभी देखी नहीं गई है। एक और बात बेटा, हमें तो ये लगता है कि रिएक्शन की रेट है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, कैटलिस्ट पे डिपेंड करती है, लेकिन कभी कभी कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जहाँ रिएक्शन की रेट कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट पर भी डिपेंड करती है। एक एग्जांपल है अपनी बुक में बेटा, 2H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है बेटा, आई नेगेटिव आयोडाइड आयन है बेटा, कैटलिस्ट है, अल्कलाइन मीडियम बेटा, अल्कलाइन मीडियम। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जब तोड़ते हैं बेटे तो दो वाटर बनता है और एक ऑक्सीजन बनता है। तो इसकी रेट अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करते बेटा, तो इसकी रेट होनी चाहिए थी बेटा ये, क्योंकि रिएक्टेंट दो मोल है H2O2 के, लेकिन ये रेट नहीं है, इसकी रेट है ये बेटा। जबकि यहाँ कहीं भी आपको रिएक्टेंट में आई नेगेटिव नजर नहीं आ रहा बेटा, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है बेटा, ऑर्डर टू हो जाएगा, 1+1, ये भी वन है, ये भी वन बेटा। इसका मैकेनिज्म देखिए बेटा, दो स्टेप में होता है बेटा। पहले स्टेप में H2O2 लेते हैं, आई नेगेटिव लेते हैं, और ये बनेगा बेटा एक वाटर और एक IO नेगेटिव। ये तो है स्लो स्टेप बेटा। दूसरे स्टेप में H2O2 लेते हैं, IO नेगेटिव लेते हैं बेटा, ये फास्ट है बेटा। एक तो बनेगा वाटर बेटा, एक बनेगी ऑक्सीजन बेटा, और एक बनेगा बेटे आई नेगेटिव। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ओवरऑल जो रिएक्शन होगी वो ये होगी बेटे, 2H2O+ बेटा ऑक्सीजन। तो मैकेनिज्म से ये पता लगा है बेटा कि इस रिएक्शन की जो रेट है वो आई नेगेटिव पर भी डिपेंड करती है, आयोडाइड आयन जो कि यहाँ कैटलिस्ट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
आज का हमारा टॉपिक है बेटा डिफरेंशिएट बिटवीन या डिस्क्रिमिनेट बिटवीन डिस्टिंग्स बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। हाउ डज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफर फ्रॉम मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। वैसे तो अरे क्वेश्चन ही अच्छा होता है बेटा। तो ध्यान से देखना बेटा, या तो मैं लिख रहा हूं बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और यहां मैं लिख रहा हूं मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो जब भी दो टॉपिक में डिफरेंस पूछते हैं बेटा तो पहला पॉइंट उनकी डेफिनेशन होती है, यदि उनकी कोई डेफिनेशन दुनिया में है तो। हर एक चीज की डेफिनेशन तो होती नहीं है बेटा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की भी डेफिनेशन है और मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन की भी डेफिनेशन है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है बेटा, द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट इन रेट ला एक्सप्रेशन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रेट ला एक्सप्रेशन में जो पावर का जो जोड़ है बेटा कंसंट्रेशन टर्म उस रिएक्टेंट की बेटा, उसको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। और मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या है बेटा, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज मे बी एटम साइंस और मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन और सिंपल रिएक्शन विच मस्ट कोलाइड एंड रिएक्ट सिमुलटेनियसली टू ब्रिंग अबाउट ए केमिकल रिएक्शन। तो जो हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं और वो रिएक्टेंट जो एक साथ टकराते हैं और एक साथ रिएक्ट करते हैं जिससे रिएक्शन होती है उसको हम मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। दूसरी बात है बेटा, ये तो है एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट भाई, एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है बेटा ऑर्डर दो बेटा, और ये है बेटा थ्योरेटिकल कंसेप्ट, ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब एक्सपेरिमेंटल है बेटा तो टेम्परेचर प्रेशर पर डिपेंड करता है, यानी इट इज डिपेंडेंट ऑन बेटा। और ये इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर, इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये टेम्परेचर प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है क्योंकि थ्योरेटिकल कंसेप्ट है बेटा। इट मे बी जीरो और इवन इन फ्रैक्शन, ये जीरो भी हो सकता है फ्रैक्शन में भी हो सकता है। इट कैन नॉट बी जीरो और ए नॉन इंटीजर, नहीं तो ये नॉन इंटीजर हो सकता है और नहीं जीरो हो सकता है। नॉन इंटीजर जो न होल नंबर हो न जीरो हो बेटा, जैसे 2.5 है 3.5 है वो है नॉन इंटीजर। इट इज डी ऑर्डर को कैसे डिराइव करते हैं, रेट ला से। ऑर्डर इज डिराइव
order is derived from rate law. Order को rate law से derive करते हैं हम. It is यानी molecularity बेटा. It is derived या obtained from mechanism of reaction. इसको mechanism of reaction से derive करते हैं. अगला point देखते हैं बेटा. ऑर्डर है वो दोनों टाइप की रिएक्शन के लिए होता है. ऑर्डर इज एप्लीकेबल या वैलिड बेटा इज एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्री कहो या सिंपल कहो. एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तो ऑर्डर दोनों के लिए है. एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए भी है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी है. इट इज ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन. इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री कहो या सिंपल कहो बेटा. ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन. इसी में लिखेंगे बेटा फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी हैज नो मीनिंग. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी कोई मीनिंग नहीं रखती. एक और पॉइंट है बेटा. ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन is determined by the slowest step. जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है उनका ऑर्डर स्लो स्टेप से मालूम करते हैं कि स्लो स्टेप में कितने रिएक्टेंट हैं बेटा. मॉलिक्युलरिटी ऑफ स्लो स्टेप द स्लो स्टेप इज द सेम एज the overall order of reaction. तो ऐसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए जो स्लो स्टेप है वही क्या है बेटा किसके बराबर है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी का कोई मीनिंग तो नहीं है लेकिन इसकी जो मॉलिक्युलरिटी वही होगी जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए स्लो स्टेप है. तो दिस इज बिट ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा. ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस आ जाए या इनकी डेफिनेशन आ जाए बेटा या किसी तरह से क्वेश्चन आ जाए कोई ऐसी रिएक्शन लिखो जिसका ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी सेम है. ऐसी रिएक्शन लिखो जिसका ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी क्या है बेटा डिफरेंट है.
तो जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है उनका ऑर्डर तो जीरो होगा बेटा, लेकिन मोलिकुलरिटी तो कभी जीरो होती नहीं है, तो उनका मोलिकुलरिटी मिलेगी 1, 2, 3 इनमें से कोई ना कोई। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा डिफरेंशियल रेट ला कहो या डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन, डिफरेंशियल रेट ला एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फोर्थ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फ्रैक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल भी हैं बेटा, अच्छे कुछ न्यूमेरिकल आता है बेटा, वो भी हम देखेंगे। हमारी बुक में सिलेबस में जिक्र नहीं है बेटा, रिएक्शन का ऑर्डर नेगेटिव भी हो सकता है लेकिन मोलिकुलरिटी कभी नेगेटिव नहीं होती, मोलिकुलरिटी तो 1, 2, 3 होती है बेटा, नहीं तो ये नॉन एंटीजर होती है बेटा, नहीं ये जीरो होती है, नहीं फ्रैक्शन में होती है, नहीं नेगेटिव होती है, लेकिन ऑर्डर इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो उम्मीद है बेटा आप बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।